ये मैंने छोटा सा घर बनाया है। पूनम बैठकर क्या सोच रही हो? ये देखो मेरा घर कैसा लग रहा है, मैंने पेपर से बनाया है। वाह सच में मायरा ये तुमने बनाया है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तुमने कैसे बनाया, क्या मुझे भी बनाना सिखा दोगी? पूनम मैं तुम्हें दूसरे दिन सिखा दूंगी, वैसे चलो आज हम लोग मिलकर इसे कलर करते हैं। कलर करने के बाद मेरा घर बहुत ही सुंदर लगेगा। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है, मैं जा रही हूँ जल्दी से कलर करने। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे कलर है, मैं किस कलर से अपना घर रंगूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मारा ये ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा रहेगा, चलो इस ग्रीन कलर से घर को रंगते हैं। अरे पूनम दूसरा कलर बताओ ना, मुझे ग्रीन कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अरे वाह मैंने कितना अच्छा नाव बनाया है, ऐसा नाव तो रवि कभी बना भी नहीं पाएगा। सभी ये देखकर चौंक जाएंगे कि मैंने इतना अच्छा नाव कैसे बना लिया। जरा मायरा से जाकर पूछता हूँ आखिर मायरा ने क्या बनाया है। मायरा तुमने क्या बनाया है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। हाँ वो भैया मैंने एक प्यारा सा घर बनाया है, जाइए जाकर देख लीजिए, मैं यहाँ पर कलर ढूंढ रही हूँ। अरे मारा ये ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा, इसी से घर को कलर कर लो, सच में बहुत ही अच्छा लगेगा मारा। अरे हाँ हर्ष भैया ये ऑरेंज कलर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं ऑरेंज कलर से ही अपने घर को रंगूंगी। इधर सभी बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। सच में ये स्नैक्स तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गीता ये तुमने कैसे बनाया, मुझे भी सिखा दो, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं भी बनाऊंगी। वो राधा मौसी पहले खा लीजिए उसके बाद मैं सिखा दूंगी। ठीक है गीता। गीता तुम भी खाओ। हाँ कार्तिक जी मैं खा रही हूँ ना, पहले मायरा हर्ष को बुला कर लाइए। मैंने उसी वक्त आवाज दिया था लेकिन मायरा हर्ष अभी तक नहीं आए, साथ खेलने में बहुत बिजी है। जाइए कार्तिक जी बुला कर लाइए मायरा हर्ष को। ठीक है गीता मैं अभी बुला कर लाता हूँ। मायरा हर्ष क्या कर रहे हो, चलो इधर आओ खा लेना फिर उसके बाद खेलना। अरे हाँ मायरा का घर तो बहुत ही अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ मैं ये घर ले लेता हूँ और मायरा को अपनी नाव दे देता हूँ। हटिए भैया यहाँ से मुझे कलर करना है। आप जाइए अपने नाव को कलर कीजिए, मैं अपना घर कलर करती हूँ, जल्दी हट जाइए हर्ष भैया यहाँ से। मायरा क्या तुम ये घर मुझे दे सकती हो, तुम मेरा नाव ले लो ना मायरा, मुझे ऐसा घर नहीं बनाने आता है, मैं तो नाव बहुत सारा बना सकता हूँ। प्लीज मायरा मुझे ये घर दे दो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं हर्ष भैया, मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है और ये मैं आपको दे दूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मायरा मैंने बोला ना मुझे दे दो ना ये घर। अरे नहीं मैंने बोला ना आप चले जाइए यहाँ से, वरना मैं पापा को बुला दूंगी, आप मुझे तंग कर रहे हैं हर्ष भैया। अरे शांत हो जाओ मायरा, तुम तो शोर ही करने लगी, पापा को मत बुलाना वरना पापा मुझे बहुत डांटेंगे। हाँ तो आप यहाँ से चले जाइए हर्ष भैया, मैं नहीं दूंगी ये घर। मैं सब सुन रहा हूँ तुम दोनों की बातें, इस तरह से आपस में क्यों झगड़ रहे हो मायरा हर्ष। पापा पापा आप यहाँ। पापा देखिए ना मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है और हर्ष भैया मुझसे मांग रहे हैं, मैं हर्ष भैया को नहीं दूंगी। क्या मायरा ये घर तुमने बनाया है, सच में ये तो बहुत ही अच्छा है। हर्ष तुम मायरा को परेशान क्यों कर रहे हो। पापा मैं मायरा को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मायरा झूठ बोल रही है। नहीं पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हर्ष भैया सच में मुझे परेशान कर रहे है। अरे लगता है मायरा हर्ष झगड़ा कर लिए, मुझे जाकर देखना चाहिए आखिर किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं दोनों। हर्ष ठीक है पापा मैं मायरा को परेशान नहीं करूंगा, आप मुझे मत डांटिए। ये मायरा हर्ष तो आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं, इन दोनों के झगड़े से तो मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या हुआ अंकल आप मायरा हर्ष को क्यों डांट रहे हैं। अरे कुछ नहीं हुआ है बेटा, वैसे चलो आप लोग पहले नाश्ता कर लो उसके बाद खेलना। क्या नाश्ता, अरे वाह मैं जाकर पहले खाती हूँ उसके बाद कुछ करूँगी। चलो मायरा हर्ष पहले हम लोग नाश्ता करते हैं उसके बाद कलर करेंगे।
हाँ पिंकी, अभी चलते हैं। मैं भी जाती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। चलो हर्ष। नहीं पापा, आप लोग जाइए, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैरा हमेशा मुझे पापा से डांट सुनवा देती है। मैं जा रहा हूँ अपने नाव को कलर करने। अरे पूनम तुम यहाँ, तुम जाओ नाश्ता कर लो। अरे क्या हुआ हर्ष, इस तरह से मुंह क्यों लटकाए हो, पापा बहुत डांट दिए क्या? अरे नहीं कुछ नहीं हुआ है, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझसे कुछ मत पूछो। ये हर्ष बिना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। हर्ष हर्ष, अगर नहीं नाश्ता करोगे तो मैं तुम्हें फिर से डांटूंगा। चलो जल्दी चलो आओ, मैं तुम्हें कंधे पर बैठा कर ले चलता हूँ। नहीं पापा आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मायरा की तरह घर चाहिए। अरे ठीक है हर्ष, मैं मायरा की तरह ही तुम्हारे लिए बाद में एक प्यारा सा घर बना दूंगा, पहले अभी चलकर नाश्ता करो। क्या सच में पापा आप मायरा की तरह मेरे लिए घर बना देंगे? हाँ हर्ष बिल्कुल। ये पापा आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है चलिए पापा, मुझे जल्दी से कंधे पर बैठाइए। मायरा तुम ये ब्रश नीचे रख दो और चलो हम लोगों के साथ। हाँ ठीक है पूनम, मैं अभी इस ब्रश को नीचे रख देती हूँ। ये हो गया, चलो चलते हैं। सभी बच्चे नाश्ता करने जा रहे हैं। वाह इतने सारे स्नैक्स, मैं तो पूरा खा जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कहाँ पर बैठे आंटी? अरे बच्चों तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। ठीक है आंटी, चलो पिंकी। अब मैं भी जाकर बैठ जाती हूँ। मायरा चलो तुम भी इधर आ जाओ। नहीं मम्मी मैं तो यहीं से खाऊंगी। अरे ठीक है मायरा खा लो, लेकिन ये हर्ष कहाँ रह गया? वो हर्ष पापा के साथ आ रहा है। मैं पहले बनाना खाऊंगी। वाओ ये बनाना कितना अच्छा लग रहा है। सभी बैठकर खाने लगते हैं। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, पूनम आंटी कितना अच्छा स्नैक्स बनाई है। पिंकी मेरी मम्मी भी ऐसा बना लेती है, एक दिन मेरे घर चलो मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कभी तुम्हारे घर भी आऊंगी। चलो पहले खाते हैं उसके बाद बातें करेंगे। हर्ष अपने पापा के कंधे पर बैठ जाता है। पापा आज मार्केट चलिएगा। अरे नहीं हर्ष आज नहीं कल चलेंगे। चलो यहाँ पर उतर जाओ हर्ष। जाओ हर्ष जाकर खा लो, मैं अभी वॉशरूम में जा रहा हूँ। ठीक है जाइए पापा। अरे वाह मैं जल्दी से वॉशरूम में चला जाता हूँ। सभी लोग खाने में बिजी होते हैं, तभी इधर से रवि आ जाता है। चिड़िया की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाज तो पीछे से आ रही है, अभी देखता हूँ। अरे वाह यहाँ पर तो दो प्यारी चिड़िया है और उसका अंडा भी है। कहीं ये चिड़िया मुझे देखकर यहाँ से भाग ना जाए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे ये कितना प्यारा हाथी है, ये जरूर हर्ष का होगा, लेकिन ये हर्ष अभी कहाँ है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वाह और यहाँ पर नाव भी है और इतने सारे कलर, आखिर ये नाव किसने बनाया? ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो ये हाथी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मैं इस हाथी को अपने घर पर ले जाता हूँ, ये हाथी बहुत ही अच्छा है। अरे नहीं लेकिन मेरी मम्मी कहती है कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। तो मैं इस हाथी को यहाँ से नहीं ले जाऊँगा। लेकिन मैं ये बोट ले जा सकता हूँ और इसे पानी में चलाऊंगा। यहाँ पर चार चार बोट रखे हैं, अगर मैं एक ले ही गया तो क्या हो जाएगा? मैं एक ले लेता हूँ, ये वाला लूंगा। अब जाता हूँ अपने बोट के पास, उसे अच्छे से कलर करूंगा। अरे रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा बोट चोरी कर रहे हो, जल्दी हटो यहाँ से। हाँ रवि तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम चोरी कर रहे हो मेरे घर पर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रवि। अरे हर्ष मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था, वैसे ये नाव किसने बनाया, बहुत ही अच्छा है।
झूठ मत बोलो रवि, तुम चोरी करने आए थे ना? अरे मेरा यकीन करो हर्ष, मैं चोरी करने नहीं आया था, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। पहले ये बताओ हर्ष, ये बोट किसने बनाया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो रवि, वो बोट मैंने बनाया है। क्या सच में अच्छा लग रहा है तुम्हें? अरे तुम अच्छा की बात कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच में तुमने बहुत अच्छा बनाया है, क्या मेरे लिए भी एक बना दोगे? अरे तारीफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया रवि। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी एक बोट बना दूंगा। ये हुई ना बात हर्ष। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।